डर गए हैं गंगूबा तात्य हरिपंत के इरादों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हरिपंत जो अपनी औकात पे आ गया है, जो ऐसी साजिशें रच रहा है जिससे कि ना सिर्फ देवी अहिल्या हर्ट होंगी बल्कि मल्हार सरकार भी हर्ट होंगे, पूरा वाड़ा, पूरा परिवार, राज परिवार हर्ट होगा। और ये बात गंगूबा तात्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है। तो गंगूबा तात्य तो हरिपंत के साथ इसलिए थे क्योंकि हरिपंत उनके मन की इच्छा पूरी करने वाला था, मगर यहाँ पे तो हरिपंत गंगूबा तात्य या पेशवा की नहीं बल्कि किसी और की इच्छा पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरिपंत का आना गंगूबा तात्य के लिए एक सुख की सांस थी कि हरिपंत आए हैं और हरिपंत देवी अहिल्या को इस तरह से हैंडल करेंगे कि वो राजपाट के कार्यों से दूर हो जाए, जो गंगूबा तात्य आज तक नहीं कर पाए। मगर हरिपंत ने आते ही कुछ और करना शुरू कर दिया, उसने राज परिवार के बीच में ही फूट डालनी शुरू कर दी। अब ये बात जब गंगूबा तात्य नोटिस कर रहे हैं और कल की कड़ी में उन्होंने ये बात कह भी दी गंगूबा तात्य ने कि ये आप गलत कर रहे हो और अपनी औकात में रह के ही अपने काम कीजिए, तब दोस्तों जब हम ये बात सुनते हैं तो एक चीज तो बिल्कुल समझ में आती है कि हरिपंत गंगूबा तात्य से भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। हरिपंत का एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि देवी अहिल्या को राजपाट से दूर करना, बल्कि हरिपंत का कुछ और भी एजेंडा है जो गंगूबा तात्य को नहीं पता है। तो ये हरिपंत है कौन? ये पेशवा का बंदा है, मगर ये क्या खुद भी देवी अहिल्या से कहीं या वाड़े में या मल्हार सरकार से कहीं किसी और से इस तरह से दुश्मनी करके लेके आया है कि मुझे इस वाड़े को ही बर्बाद करना है, मुझे मल्हार सरकार को ही बर्बाद करना है? तो ये बात गंगूबा तात्य को कुछ कुछ समझ में तो आ गई है, मगर क्या गंगूबा तात्य के ये जो कहना है, जो उन्होंने कहा कि औकात में रहो या जो भी कहा, तो क्या इससे हरिपंत समझ जाएंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि हरिपंत के इरादे कुछ और हैं और गंगूबा तात्य हरिपंत के सामने कमजोर नजर आ रहे हैं। अब गंगूबा तात्य के हाथ से हरिपंत निकल चुके हैं और वो जिस तरह से देवी अहिल्या के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो देवी अहिल्या के खिलाफ नहीं बल्कि मल्हार सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। तो क्या हरिपंत का टारगेट मल्हार सरकार है, मालवा है, देवी अहिल्या नहीं? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।